और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो इस साल 2021 में कंफर्म लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मिल सके मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। पहले नंबर की बाइक है होंडा सीबी 350। दोस्तों, ये हाइनेस 350 पर बेस्ड होने वाली है, लेकिन ये एक स्क्रैम्बलर और कैफे रेसर बाइक रहेगी, जिसमें आपको ऑफ रोड टायर देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर ये एक स्क्रैम्बलर बाइक है तो इसको टूरिंग पर्पस के लिए डिजाइन किया जाएगा। मतलब जिन लोगों को माउंटेनियरिंग करने का शौक है या फिर जिनको ऑफ रोडिंग करना पसंद है, तो उनके लिए ये बाइक डिजाइन की गई है। बात करें दोस्तों लुक्स की, तो अभी फ्रंट लुक इसका रिवील नहीं हुआ है, लेकिन पीछे का लुक रिवील किया है, जिसमें ये दिखाई देता है कि 16 फरवरी 2021 को ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, ये पक्की खबर है कि इस महीने फरवरी में ये बाइक लॉन्च होने वाली है। और इसमें आपको पीछे का लुक भी दिखाई देता है, जिसमें आपको स्मॉल रेक्टेंगुलर एलईडी टेल लाइट शो हो रही है, और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। और इसमें आपको बड़ा सा मडगार्ड देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी कीचड़ वाले जगह से बाइक को निकालते हो तो मड उड़कर पीछे वाले के तरफ नहीं आएगा। बात करें सस्पेंशन की, तो दोस्तों हो सकता है कि सामने आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन मिले, क्योंकि टूरिंग पर्पस के लिए और ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए यूएसडी फोक सस्पेंशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और पीछे आपको एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, अगर ये कैफे रेसर बाइक है तो मैं गैसिंग कर सकता हूँ कि इसमें आपको जो हैंडल मिलेगा वो आपको स्प्लिट हैंडल देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा कूल लुक अपनी बाइक को देता है। लेकिन मैं फ्रंट से कुछ भी नहीं कह सकता अगर आपको कौन सा हेडलैम्प मिलेगा, इसमें आपको एलईडी मिलता है या हेलोजन मिलता है, इसकी अभी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन पीछे का जो लुक रिवील किया है, उसमें आपको साफ साफ ये सारी चीजें शो हो रही है कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो इंजन आपको हैनेस में मिलता है 348 सीसी का, वही इसमें आपको इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 21 BHP की पावर मिलेगी और 30 Nm का टॉर्क मिलेगा। दोस्तों, बात करें एग्जॉस्ट नोट की, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट नोट में आपको चेंजेस देखने को मिले। बाकी बात करें प्राइस की, तो ये 10 से 20 हजार रुपए महंगी रहेगी हाइनेस से, क्योंकि इसमें आपको थोड़े और इम्प्रूव्ड फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे ही ये बाइक लॉन्च होगी, तो इसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। दूसरे नंबर की बाइक है TVS Zeppelin। दोस्तों, हाल ही में Zeppelin को रजिस्टर्ड किया गया है TVS Zeppelin R के नाम से, और यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि किस डेट में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। 2 नवंबर 2020 को इसको रजिस्टर्ड किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि TVS इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग पर वर्क कर रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस बाइक के लुक्स की, तो बहुत ही सिंपल लुक इस बाइक में आपको मिलता है। एक क्रूजर टाइप की ये बाइक है, और सिंपल लुक में ही ये बाइक काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। सामने आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको एक HD कैमरा भी मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसका कोई वर्क पड़ेगा। और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको एलईडी मिलेंगे, तो फुल एलईडी का इसमें आपको सेटअप देखने को मिलेगा। बात करें इंजन की, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है, जैसे कि आपको एक हाइब्रिड कार में देखने को मिलती है, उसी तरह इसमें आपको एक हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, और 220 सीसी का इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा। हालांकि पावर और टॉर्क अभी तक रिवील नहीं की गई है। दोस्तों, अगर बात करें सस्पेंशन की, तो सामने आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कंपनी इसमें प्राइस कटिंग करेगी, इसलिए इसमें आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन ही मिलेगा, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक कंपनी लॉन्च करेगी। बात करें प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,50,000, और दोस्तों ये mid-2021 तक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तीसरे नंबर की अपकमिंग बाइक है यामाहा XSR 155। दोस्तों, अब ये बाइक बहुत सारे लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड बाइक है। जिसको भी देखो वो वही कमेंट करता है कि भाई XSR 155 कब लॉन्च होगी, या फिर किस डेट को ये बाइक लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, पिछले साल ही ये बाइक थाईलैंड में लॉन्च हुई है, और वहां पर इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस साल 2021 में ये बाइक कन्फर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, बात करें लुक्स की, तो काफी सिंपल लुक इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। रेट्रो टाइप इसमें आपको बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगी, और सिंपल लुक में ही ये बाइक काफी ज्यादा खूबसूरत और कूल और अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों, बात करें फ्रंट डिजाइन की, तो सामने आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, और आपको राउंड शेप में एलईडी DRLs इसमें देखने को मिलेंगे, जो बाइक को एक काफी खूबसूरत लुक देते हैं। और पीछे आपको राउंड डिजाइन में एलईडी टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स इसमें आपको डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स
मिलेंगे। दोस्तों बात करें इंजन की, तो इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो इंजन आपको यामाहा MT-15 में देखने को मिलता है, वही सेम इंजन इसमें आपको मिलेगा। बात करें फीचर्स की, तो दोस्तों कंपनी इसमें प्राइस कटिंग जरूर करेगी। जो मॉडल यामाहा ने यूरोपियन कंपनी में उतारा है, उसमें आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कटिंग करने के लिए कंपनी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देगी और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और आपको यूरोपियन कंट्री में डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन जब ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि पीछे आपको RLP सेंसर मिल जाए। बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,40,000 से 1,50,000। और बात करें कि ये कब लॉन्च होने वाली है, तो इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है अप्रैल 2021, मतलब मिड में तो ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप यामाहा XSR 155 का वेट कर रहे हो कि नहीं। फोर्थ नंबर की बाइक है होंडा CB125R। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 125 सीसी का मार्केट इंडिया में काफी जोरों शोरों से बढ़ रहा है, और होंडा ने भी अब प्लान कर लिया है कि वो 125 सीसी सेगमेंट में अपनी CB125R को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। और जैसे ही ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, तो KTM ड्यूक 125 को काफी भारी फटका पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको 1,20,000 या 1,30,000 में एक बढ़िया फीचर वाली बाइक या फिर एक वैल्यू फॉर मनी बाइक मिलेगी, तो आप उसकी तरफ जरूर जाना पसंद करोगे। दोस्तों बात करें फीचर्स की, तो इसमें आपको सामने USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। बात करें फ्रंट डिजाइन की, तो सामने आपको LED हेडलाइट मिलेगी और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो दोस्तों होंडा क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज इस बाइक में देखने को मिलेगी। बात करें इंजन की, तो इसमें आपको मिलता है 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसका मैक्स पावर है 14.7 BHP और मैक्स टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर का। और अगर बात करें ब्रेकिंग की, तो सिंगल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिलेगा, और पीछे आपको RLP सेंसर मिलेगा। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 1,20,000 से 1,30,000 तक। और बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, तो अभी इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि mid-2021 में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। फिफ्थ नंबर की बाइक है KTM RC 200। दोस्तों अगर आपको किसी बाइक की धज्जियां उड़ानी है लुक्स की, तो आप KTM से सलाह ले सकते हो। मतलब 200 सीसी में आपको एक बिंदास लुक देना चाहिए था RC 200 में, लेकिन ये लुक आपको काफी बुरा देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक बैड न्यूज हो सकती है। मुझे तो ये लुक काफी ज्यादा पसंद नहीं आया है। मतलब जो डिजाइन आपको पहले से पसंद आ रहा था, मतलब जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इस बाइक की शान हुआ करती थी, अब वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। पूरा ही लुक्स इस बाइक का चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ये बजाज के मैन्युफैक्चरिंग हब से ली गई है, जिससे ये पता चलता है कि इस साल 2021 में KTM इस बाइक को इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। तो दोस्तों मुझे तो इस बाइक का लुक्स पसंद नहीं आया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक यूनिकॉर्न के ऊपर एक गधे का मुंह लगा दिया गया है। बाकी बात करें फीचर्स के, तो फीचर्स में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेम फीचर्स जो आपको RC 200 में अभी देखने को मिलते हैं, वही फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पावर और टॉर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी इसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। बाकी जो चेंजेस है वो डिजाइन का ही है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी दोस्तों मुझे पुराना लुक काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन ठीक है, पता नहीं KTM क्या सोच समझ के इस लुक्स को इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। बाकी अगर वो इस लुक को उतारेगी, तो गारंटी है कि RC 200 का मार्केट डाउन हो जाएगा। बात करें प्राइस की, दोस्तों प्राइस में आपको एक बिग डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और बात करें लॉन्च डेट की, तो अब इसकी लॉन्च डेट कोई भी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2021 में ही ये बाइक लॉन्च होने वाली है। सिक्स्थ नंबर की बाइक है यामाहा MT-125। दोस्तों ये भी यामाहा की तरफ से आने वाली एक 125 सीसी की बाइक है, जिसका लुक्स सेम MT-15 की तरह है। मतलब आपको लुक्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सेम डिजाइन जो MT-15 में आपको मिलता है, वही डिजाइन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। हालांकि यामाहा को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी यामाहा बाइक लॉन्च करती है, तो वो कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके लॉन्च कर देती है। तो यामाहा को कुछ नया लुक्स लाना चाहिए, ताकि ये बाइक चल सके। हालांकि अगर ये 125 सीसी में आती है, तो कम प्राइस में ये बाइक इंडियन मार्केट में जरूर चलेगी। दोस्तों बात करें फ्रंट डिजाइन की, तो सामने आपको कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलेंगे, और सेंटर में आपको प्रोजेक्टर बल्ब मिलेगा, पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स इसमें आपको नॉर्मल डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। बात करें फीचर्स की, तो दोस्तों यूरोपियन कंट्री में ये बाइक
यूएसडी फोक सस्पेंशन के साथ आती है, लेकिन जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 124.7 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसका मैक्स पावर रहेगा 13 बीएचपी का और मैक्स टॉर्क रहेगा 11 न्यूटन मीटर का, और इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। दोस्तों एबीएस, इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा और पीछे आपको कोई भी आरएलपी सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, और डुअल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल होगी। बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,25,000 से 1,30,000, और बात करें कि कब ये बाइक लॉन्च होने वाली है, तो इसका लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है जुलाई 2021 तक, मतलब जुलाई 2021 तक ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। सेवंथ नंबर की बाइक है होंडा CBR 150R। दोस्तों होंडा कंपनी ने कहा था कि वो आने वाले साल 3 से 4 नई बाइक्स को लॉन्च करेंगे, और होंडा के पास अभी 150 सीसी सेगमेंट में एक फुल फेयर बाइक भी नहीं है। कुछ साल पहले ही उन्होंने CBR 150 को डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन अब वो पूरा प्लान कर रहे हैं कि 150 सीसी सेगमेंट में वो एक मस्कुलर और स्पोर्टी लुक वाली एक फुल फेयर बाइक इंडियन मार्केट में उतारेंगे। दोस्तों लुक्स इस बाइक का बहुत ही जबरदस्त है, मतलब इसमें आपको इतना शार्प और मस्कुलर लुक मिलता है कि आप भी इस बाइक के फैन हो जाओगे। दोस्तों फ्रंट डिजाइन की बात करें तो ऊपर आपको कॉर्नर्स पर एलईडी डीआरएस मिल जाएंगे, और उसी के नीचे आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा, तो जो सामने का लुक है वो भी इस बाइक का काफी खूबसूरत लगता है। पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स, अगेन इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलेगा, और इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। बात करें पावर की, तो 18 बीएचपी की इसमें आपको पावर मिलेगी और 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा, और 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल होगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो मल्टी कलर्स का इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये एक एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी प्राइस कटिंग देखने को नहीं मिलेगी, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, और डुअल चैनल एबीएस के साथ आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों ये आपको डुअल डिस्क में मिलेगी, और इसमें आपको पेटल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जिनका हीट डिस्ट्रीब्यूशन राउंड डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफी होता है। बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो 1,50,000 से 1,60,000 तक इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। और बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, तो इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन मिड 2021 तक ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, और जैसी इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। 8th नंबर की बाइक है यामाहा R3। दोस्तों यामाहा को अच्छे तरीके से पता है कि कौन से सेगमेंट की बाइक में किस तरह का लुक देना चाहिए, और 300 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक में काफी बढ़िया लुक दिया गया है। पुरानी R3 का लुक उतना अच्छा नहीं था, और लोग भी उसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए यामाहा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन अब यामाहा पूरा प्लान कर चुकी है कि वो इंडियन मार्केट में न्यू R3 को लॉन्च करेगी। दोस्तों बात करें इसके लुक्स की, तो लुक्स काफी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब मुझे भी स्पेशली इसका लुक काफी ज्यादा पसंद आया है, और आपको भी इसका लुक काफी ज्यादा पसंद आएगा। एक हैवी टाइप लुक इस बाइक में आपको मिलता है। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो सामने आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इसमें आपको एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। हालांकि अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो हमको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलना चाहिए, लेकिन देखते हैं जब ये इंडियन मार्केट में आती है तो आपको TFT कंसोल मिलता है या फिर यही सेम LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। दोस्तों इंजन की बात करें तो 321 सीसी का ट्विन सिलेंडर BS6 इंजन इसमें आपको मिलेगा, और पावर और टॉर्क इसके अभी कोई रिवील नहीं की गई है। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल होगी। दोस्तों ब्रेक की बात करें तो हो सकता है कि इसमें आपको बाइबर की ब्रेक्स की जगह ब्रेम्बो के कैलिपर्स देखने को मिले, जो आपको हायर सेगमेंट की बाइक्स में देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें इसकी, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 3,00,000 से 3,40,000 तक, और अब बात करें कि कब ये लॉन्च होगी, तो जून 2021 तक इसकी लॉन्च एक्सपेक्ट की जा रही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और आपको यहां मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहां जाके फॉलो करो, मैं वहां अच्छी अच्छी पिक्स डालता रहता हूं, और अगर आपको वहां कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोस।